इंदौर के विस्फोट विशेषज्ञ शरद सरवटे ने अधिकारियों को खनन की अनुमति जारी करने से पहले खास सावधानी बरतने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अक्सर खनन के दौरान विस्फोटक अधिनियम की जानकारी नहीं होने से ब्लास्टिंग के दौरान हादसे होते हैं, जिससे कई लोगों की जान भी चले जाती है। इंदौर में आयोजित हुए संभागीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में अवैध खनन को रोकने को लेकर भी खास चर्चा हुई। सभी राजस्व अधिकारियों को अवैध खनन पर नजर रखने और खनन माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा खनन के दौरान होने वाले विस्फोट से होने वाले हादसों को रोकने के लिए इसके विशेषज्ञ शरद सरवटे ने सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश जिलों में अवैध खनन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो परमिशन लेकर खनन कर रहे हैं उन्हें विस्फोटक अधिनियम की जानकारी नहीं है, लिहाजा अक्सर खदान में विस्फोट के दौरान चूक होती है और इससे जनहानि भी होती है। अगर नियम की जानकारी हो तो इन हादसों को रोका जा सकता है। पहले तो जानकारी ये दी है कि हमने पहले ये पार्ट किया है कि माइनिंग का जो पार्ट है जिसमें अपन केवल खदानों में अपन देखते हैं सब काम चल रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे पहले ये बताना चाह रहे हैं कि पहले माइनिंग का कानून क्या है ये समझो, क्योंकि अभी क्या है कानून के बारे में ही पूरी जानकारी लोगों को नहीं है। और जब माइनिंग का कानून आता है तो उसके साथ विस्फोटक भी आते हैं, तो विस्फोटक का बात तो सबसे ज़्यादा हुआ है क्योंकि आपके यहाँ पे अभी 4-5 अपने हादसे हो चुके हैं, जिसमें पेटलावद में 90 लोग मरे, उसमें ये हुआ, इसमें 10 मरे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके हादसे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसके तरफ बहुत ज़्यादा नज़दीकी पार्ट से समझना होगा, और ये क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है उसके ऊपर अपने को सोचना पड़ेगा। रोकथाम के पहले तो तरीके ये हैं कि पहले तो आप एक्सप्लोजिव के लाइसेंस लो, ताकि उसमें लिखी हुई जानकारी रहती है कि आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ें जब अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये कि जिसको जो मर्जी हो करता रहे, तो कानून के अनुरूप काम हो ये पहला पहल है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। जो अभी है कानून में वो तो है, और वो कानून बरसों से है, लेकिन आज मध्य प्रदेश में अपन 40 साल से देख ही नहीं रहे कि इस तरीके का कोई कानून है और क्या उसका पालन हो रहा है। तो ये करने के लिए हमारी ये पहल है कि ये काम करें। संभागायुक्त दीपक सिंह ने विस्फोट विशेषज्ञ शरद सरवटे के द्वारा दिए गए सुझाव को जल्द ही अमल में लाने की बात कही। उम्मीद है कि बैठक के माध्यम से दिए गए सुझाव से अवैध खनन पर रोक लगने के साथ ही हादसों में भी कमी आएगी। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।